इंडिया हैज़ इंटर्न्ड इनटू सुपर 40 क्लब। हमारी धरोहर, हमारी हेरिटेजेस मात्र कोई स्थल नहीं बल्कि विरासत है हमारी इस गौरवशाली भारतवर्ष की। धोलावीरा और रमप्पा टेंपल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिलने के साथ ही हमारा भारत सुपर 40 के क्लब में शामिल हो गया है और अब भारत को गिना जाएगा ब्राउन कंट्री की लिस्ट में। ब्राउन कंट्री का क्या मतलब होता है आपको समझाती हूँ। देखो, अगर किसी कंट्री के पास 40 से 49 के बीच में विश्व धरोहर स्थल है तो उसे ब्राउन कंट्री के लिस्ट में शामिल किया जाता है। ब्राउन कंट्री की लिस्ट में अभी के लिए इंडिया के साथ स्पेन, जर्मनी और फ्रांस भी हैं। यहाँ पर और भी कलर्ड लिस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि पर्पल कलर। अगर किसी कंट्री के पास 50 या उससे ज़्यादा विश्व धरोहर स्थल है तो उस कंट्री को पर्पल लिस्ट में डाला जाता है। इस टाइम पर्पल लिस्ट में दो कंट्री हैं, इटली और चाइना। अगर किसी देश के पास 30 से 39 विश्व धरोहर स्थल है तो उसे लाइट ब्राउन कैटेगरी में, 20 से 29 विश्व धरोहर स्थल है तो उसे ऑरेंज कैटेगरी में, 15 से 19 है तो उसे ब्लू में, और अगर 10 से 14 विश्व धरोहर स्थल है तो उसे ग्रीन कलर्ड कैटेगरी में डाला जाता है। विश्व धरोहर स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस यूनेस्को द्वारा प्रदान किया जाता है। यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन को 16 नवंबर 1945 में इस्टेब्लिश किया गया था और ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में स्थित है। अगर बात करें विश्व स्तर पर तो भारत रसिया, अमेरिका, जापान, मैक्सिको, पाकिस्तान जैसी कंट्री को पीछे छोड़ते हुए 6th पोजीशन को होल्ड किए हुए हैं। भारत अब सुपर 40 की क्लब में शामिल हुआ है, मतलब कि अब भारत के पास टोटल 40 विश्व धरोहर स्थल है। ये तो गर्व की बात है, लेकिन एक विडंबना अभी भी है। सोचने वाली बात है कि भारत सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक होने के बावजूद, भारत में इतनी सारी धरोहर, इतनी सारी हेरिटेजेस होने के बावजूद, भारत का हजारों सालों का इतिहास होने के बावजूद, भारत का 6th पोजीशन क्यों है? इंडिया के पास 40 ही विश्व धरोहर स्थल क्यों है? क्या स्पेन, जर्मनी और फ्रांस जैसी कंट्री कल्चर यानी कि सांस्कृतिक मामले में हमसे आगे हैं? मेरा मानना है कि भारत के पास कम से कम 100 साइट्स तो होनी ही चाहिए। आपका क्या मानना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इन दो नए विश्व धरोहर मतलब रमप्पा टेम्पल जो कि तेलंगाना में है और धोलावीरा साइट जो कि गुजरात में है के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। और हाँ, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो शुरुआत अभी से करें। मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बी अवेयर।